Hello students, good morning. In my previous class, I just taught you about the plasma membrane and the cell wall. पिछली क्लास में मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताया था. ओके, सो नाउ टुडे आई टोल्ड यू दैट आई विल इन माई नेक्स्ट क्लास आई स्टार्ट द न्यूक्लियस. टुडे माई टॉपिक इज न्यूक्लियस. टुडे वी विल स्टडी द डिटेल अबाउट द न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस. Here I have taken one picture from your book, NCERT book. This is the plant cell. Okay, this is the plant cell. So, I told you about the plasma membrane and the cell wall. So, here you just see, this is the cell wall. Okay, this is the cell wall. यहाँ पे plant cell है, तो इसमें मैंने इसलिए plant cell लिया, क्योंकि plant cell में दोनों आपको wall आसानी से आप देख सकते हो. So, this is the cell wall. And this one is the plasma membrane. क्योंकि plant cell में दो membrane होता है, एक plasma membrane भी होता है और cell wall भी होता है. But animal cell में ये cell wall नहीं होता है, सिर्फ plasma membrane होता है. तो मैंने आपको detailed study बताया था cell wall के बारे में और plasma membrane के बारे में. अभी आज हम nucleus के बारे में पढ़ेंगे. This is the nucleus. Nucleus ये है जो कि cell का center most part होता है. ये बहुत ही important part होता है cell का. Okay? आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस भी जैसे सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, वैसे न्यूक्लियस के भी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा. दिस और उसमें छोटे छोटे पोर्स भी है. इस मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन है ना, क्योंकि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है. अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होता तो ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे और ध्यान देना, ये जो मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस का, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है. प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसके न्यूक्लियस में जिस सेल में न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं. अब इसमें देखो मेम्ब्रेन दिया हुआ है, और जिस न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करते तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते. दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, और क्या क्या होता है न्यूक्लियस में, क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताने जा रही हूँ. सी द पिक्चर वंस अगेन. दिस इज़ द न्यूक्लियस, सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक अ ब्रेन. सो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस में चार चीज़ें हमें पढ़ना होता है. एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि अभी मैंने बताया, दूसरा है क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमेटिन मटेरियल फाइबर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और उसके बाद न्यूक्लियोलस, देन न्यूक्लियोप्लाज्म. सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है. इसका आउटर कवरिंग होता है. ठीक है, अब न्यूक्लियस, सपोज दैट दिस इज द न्यूक्लियस. ये सेल के चारों तरफ ये सेल है, और सेल के अंदर ये बीच में न्यूक्लियस है. तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. अब इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल. यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाद में क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है. क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स. ओके, सो इट कंटेन क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स होता है. कैसे होता है, क्योंकि यही क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस होते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन. यही इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं क्रोमोसोम्स, जो फादर से पेरेंट से बच्चे के अंदर जाता है, जो आपके कैरेक्टर है. मीन्स आप कभी, आप सबको बोलते हैं ना लोग कि आप अपने फादर पे गए हो, आप अपने मदर्स पे, तो वो कैरेक्टर आपको कहाँ से मिलता है, आपके पेरेंट्स से. और वो आपके पेरेंट्स में कैसे आपके पेरेंट्स से और आप में कैसे जाता है, ड्यू टू द क्रोमोसोम्स. उस क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और डीएनए में जीन होता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना. क्रोमोसोम किसका बना होता है, क्रोमेटिन फाइबर का. क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, इट इज़ अ लाइक अ डीएनए, डीएनए स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जन फॉर्म ऑफ, इट इज़ अ जस्ट अ पार्ट ऑफ डीएनए. ओके, सो ये डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके क्रोमोसोम्स को. ठीक है, अब ये जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, इस डीएनए में ही फंक्शनल यूनिट, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, सपोज दैट दिस इज़ द डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये डीएनए है,
और इसमें जो फंक्शनल यूनिट है, जो कैरेक्टर है, उसको हम लोग जीन कहते हैं. यानी व्हाट इज़ जीन? जीन इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कैरेक्टर. और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की स्टडी जब हम करते हैं ना कैरेक्टर की, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है जीन. जीन कहाँ होता है? डीएनए में. डीएनए कहाँ, किसका बना होता है? डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, सेल्स के न्यूक्लियस में. इसीलिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, क्योंकि सारा कैरेक्टर सेल डिवीज़न में, सारा जो फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है. इसके बाद है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन, आई हैव टोल्ड यू. उसके बाद मेन फंक्शन क्या है क्रोमोसोम्स का, मैंने अलग से भी लिखा है. इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. न्यूक्लियस से प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मतलब है? न्यूक्लियस में आपका डीएनए बनता है, न्यूक्लियस में ही आरएनए बनता है, और आरएनए राइबोसोम्स बनता है न्यूक्लियस में, और वहीं फिर राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का प्रोटीन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है. ठीक है, उसके बाद ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी इसका, क्योंकि क्रोमोसोम्स का डिवीज़न इधर ही सेल डिवाइड करता है, क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं तभी तो रिप्रोडक्शन होता है, तो ये रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. यू विल स्टडी इन क्लास 11th इन डिटेल. डिटेल में क्लास, आप क्लास 11th में इसके बारे में, सेल के बारे में डिटेल में पढ़ोगे. सो दिस इज़ द मेन. उसके बाद मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया, क्रोमेटिन मटेरियल बताया. क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डीएनए, यू कैन से. ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है, और क्रोमोसोम्स क्या करता है? आपके पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र करता है. न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, ये भी न्यूक्लियोलस आपके जो न्यूक्लियस होता है ना, उसी में एक ऐसे डॉट डॉट करके आपको दिखेगा जब आप उसको देखोगे, तो ये क्या करता है? राइबोसोम्स बनाता है. फिर न्यूक्लियोप्लास्म क्या होता है? एक मीडियम का काम करता है. इसमें एक लिक्विड होता है, आपको पता है प्लास्म का मतलब होता है इज अ लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस. जैसे आपके साइटोप्लाज्म भी, अभी हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस में जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है यहाँ पे सेल में, न्यूक्लियस को